वहीं मैनपुरी के अलावा रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है। तो अब्दुल्ला आजम बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि रामपुर में वोटर्स को धमकाया जा रहा है। रामपुर सीट आपको बता दें कि आजम खान है उनका एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजम खान जी के बेटे अब्दुल्ला आजम खान जी मौजूद हैं। सर, मुद्दे रामपुर के, अब तक रामपुर को हमेशा से आजम खान का गढ़ कहा जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी एक दो अल्फाज कहे, मैं आप चाहता हूं कि आप उसे करेक्ट कर लें। रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, धांधली हो रही है और वोट नहीं पड़ रहा। बहुत से बूथ ऐसे हैं जहां पर दो दो वोट पड़े हैं, लोगों को मारा जा रहा है। अभी यही मोहल्ले में पीछे एक बुजुर्ग का हाथ तोड़ दिया है, उन्हें एम्बुलेंस से भी उनके घर वाले लेकर गए हैं। लोगों की पर्चियां फाड़ी जा रही हैं, चार चार आईडीज के बावजूद भी वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा। पुलिस ढाटा लगाकर गलियों में और मोहल्लों में लाठी चार्ज कर रही है, तो चुनाव कहां हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ऐसा? ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, कौन कर रहा है और क्यों, इसकी वजह क्या लग सकता है सिवाय पुलिस के? कब से हम शिकायतें कर रहे हैं चुनाव आयोग में, कहां किसी बात का कोई संज्ञान लिया? चुनाव कहां हो रहा है? धांधली हो रही है, कहां हो रहा है चुनाव? चुनाव कहेंगे आप इसे? मैंने कहा ना लोगों से कि अभी भी कुछ लोगों में इस बात की, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि लोकतंत्र बाकी है। वो लोग अपने दिल से ही खुशफहमी निकाल देंगे लोकतंत्र बाकी। ये अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? बेईमानी, जिंदा बेईमानी से तो आप जीत सकते हैं। यहां पर और कोई तरीका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और जीत जाए। उसके अलावा आपको उम्मीद क्या है, क्योंकि हमेशा से एक गढ़ है आजम खान जी का, ये कहा जाता है। कहा ना, चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। ईमानदारी से चुनाव करा लें, नतीजे आपको ही मालूम है, मुझे भी मालूम है। अभी 6 महीने पहले क्या नतीजे थे, किस तरीके से ये उपचुनाव कराया गया है, ये भी देश ने देखा। जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, क्या पूरे देश ने नहीं देखा? मैं नहीं चाहता वो बातें कहना कि लोगों का भरोसा इंस्टीट्यूशन से खत्म हो जाए। क्या कोई इंस्टीट्यूशन बाकी है? है कोई इंस्टीट्यूशन बाकी? आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है शुरू में, मैं एक सवाल आपसे, आपका एक इसमें जवाब जानना चाहता हूं, कि जो आरोप लगे या जिस तरीके से चुनाव से आजम खान जी का नाम वापस हुआ या जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो बात हुई, वो कब, सब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जनता से अब उन्हें उम्मीद लगनी शुरू हो गई है कि अब वो बीजेपी के पास जा रहे हैं। 6 महीने पहले भी यही उम्मीद लग रही थी, 55,000 वोटों से हारी थी भाजपा यहां। और यूपी के उपचुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए रुचि कुमार मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अभय पराशर रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचि, सबसे पहला सवाल आपसे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है धांधली के, बीजेपी कह रही है वो हार रहे हैं इसलिए बहाना बना रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन इतनी बार किसी बाय इलेक्शन को लेकर पहली बार गई होगी कि दिन में दो दो तीन तीन बार उनके नेता, उनका प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है। उनका आरोप यही है कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो पूरा जो तंत्र है, जो पूरी मशीनरी है, उसका दुरुपयोग सरकार कर रही है। अब बहुत सारे वो उसमें वीडियोज दिखा रहे हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अखिलेश यादव ने अभी हमसे कहा कि आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड को कई जगह पहचान पत्र नहीं माना जा रहा है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, लेकिन क्योंकि मैनपुरी ऐसी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, और यहां हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव के जो इलेक्शंस होते आए हैं उसको लेकर बीजेपी बहुत हमलावर रहती है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि उन चुनाव में समाजवादी पार्टी ईमानदारी से नहीं, फर्जी वोट डलवाती थी, वोटर्स को प्रभावित करती थी। तो उस तरह के आरोप अभी भी बीजेपी लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि क्योंकि इस समय सत्ता नहीं है समाजवादी पार्टी की, तो इस तरह के काम समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है, यहां पे हारना तय है डिंपल यादव का, इसलिए इस तरह के आरोप बीजेपी यहां लगा रही है। जी, आपके पास रुचि, लौटते हैं लेकिन एक बार चलते हैं रामपुर, वहां पर अभय है। अभय, एक बात बताइए कि हाल ही में वहां पर जब उपचुनाव हुए थे वहां के पार्लियामेंट्री यानी संसदीय सीट के लिए, वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।